अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मेरा 28 जनवरी 2021 है और आज हम अपनी उर्दू की क्लास में सबक नंबर 5 रेल का सफ़र हिस्सा दोम से मुतलका जो सरगर्मियां हैं उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो कल और परसों काम किया था वो इस सबक की पढ़ाई के साथ साथ हमने इसके मुश्किल अल्फाज के मायने और अल्फाज जुमले और उसके बाद सवाल जो अब हमने कर लिए थे, आज जो हम करेंगे वो हैं सरगर्मियाँ जो कि आपकी किताब के सफ़र नंबर 53 पर हैं और जिसका पहला सवाल है कॉलम अलिफ को कॉलम बी के साथ मिलाएं। अब बच्चों, आपने जो कॉलम अलिफ को कॉलम बी के साथ लाइन के साथ नहीं मिलाना, आपने नंबरिंग कर लेनी है। जिस तरह के पहले मैंने एक साइड पे नंबरिंग की हुई है 1821 के आगे एक लिखा हुआ है और फिर उसके बाद जॉर्ज स्टीफनसन नंबर 2, नंबर 3 रॉबर्ट स्टीफनसन, नंबर 4 1826, नंबर 5 1829, नंबर 6 1830, नंबर 7 रॉकेट, नंबर 8 पहली मुसाफिर ट्रेन, नंबर 9 पहली ट्रेन का इफ्तिताह। अब हम इसको इन डेट्स को या इन जो बात कही है उसको कॉलम बे में ढूंढेंगे कि उसका जो आंसर्स है वो कहाँ पर बनता है। ठीक है, तो पहला है 1821 में क्या हुआ था। 1821 में दो शहरों के दरमियान पटरी बिछाने का काम हुआ था। फिर उसके बाद है जॉर्ज स्टीफनसन नंबर 2 है, तो जॉर्ज स्टीफनसन कौन था, रेलवे का बाप। नंबर 3 क्या है, रॉबर्ट स्टीफनसन 19वीं सदी का बेहतरीन इंजीनियर, इसके आगे आप 3 लिख देंगे। अब देखें नंबर 4 पे है 1826, तो 1826 में क्या हुआ था, लोअर पुल और मैनचेस्टर के दरमियान 60 किलोमीटर पटरी बिछाने का काम शुरू हुआ था, इधर नंबर 4 लिख देंगे 1829 यानी 1829। तो भाप इसमें क्या हुआ था, भाप से चलने वाले इंजनों के दरमियान मुकाबला हुआ था, इधर नंबर 5 लिख देंगे। अब नंबर 6 देखें, उसमें 1830 लिखा है, तो वो इसका आंसर क्या होगा, नंबर 6 इधर लिखेंगे वो तारीखी साल जब पहली मुसाफिर ट्रेन रवाना हुई। आगे है नंबर 7 रॉकेट, स्टीफनसन का इनाम याफ्ता इंजन, इसके आगे आप नंबर 7 लिख देंगे। अब देखें नंबर 8 है पहली मुसाफिर ट्रेन, ये कब चलाएगी, लिवरपूल और मैनचेस्टर के दरमियान चलाएगी थी, लिवरपूल और मैनचेस्टर के दरमियान चलाई गई थी, ये नंबर 8 आ जाएगा। पहली ट्रेन का इफ्तिताह किसने किया था, वज़ीर आज़म ने, ये 9 आ जाएगा। इस तरीके से आपने अपनी सरगर्मियों को सॉल्व करना है। अब जो हम करेंगे दूसरा इसका सवाल वो है बे हिस्सा इसका, मंदरज ज़ैल जुमलों को गौर से पढ़ें, बताएं कि ये सही हैं या गलत, जुमलों को दुरुस्त करके नीचे दी गई सतरों पर लिखें। अब इसका पहला जुमला क्या है, 1821 में जॉर्ज स्टीफनसन इंग्लिस्तान की एक मशहूर कंपनी में डॉक्टर के अहदे पर फाइज हो गया, नहीं जी इंजीनियर के अहदे पर फाइज हो गया था, तो आप इधर लिखेंगे इंजीनियर, तो आप इधर लिखेंगे पहले काट कर लिखेंगे इंजीनियर, इंजीनियर। ठीक है, तो अब अगली लाइन में आप पूरा उसका जुमला लिख देंगे। अब आप लिखेंगे 1821 में जॉर्ज स्टीफनसन सन इंग्लिस्तान में की एक मशहूर कंपनी में इंजीनियर के ओहदे पर फाइज हो गया, इस तरीके से आपने ये जो गलत सेंटेंस है उसको सही तरीके से करके आपने जो भी उसमें गलती निकाल कर आपने नीचे लिखना है, ये था इसका अलिफ पार्ट। अब मैं आपको इन बाकी के जो रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज है उसके जो मैं सेंटेंसेस आपको पढ़ भी दूंगी और उसमें से जो गलती है वो भी आपकी क्लियर करवा दूंगी, लेकिन सेंटेंस को जो जुमले हैं आपने इन दो लाइनों में पेंसिल के साथ इस तरह लिखना है कि आपके जो लाइन्स दी गई हैं इसी के ऊपर आपके काम आए। ठीक है, अब देखें स्टीफनसन को 1826 में इंग्लिस्तान के दो बड़े शहरों लंदन और मैनचेस्टर के दरमियान रेल की पटरी बिछाने का काम सौंपा गया, ये एक छोटा काम था, तो लंदन के दरमियान तो नहीं ना, इधर आ जाएगा लिवरपूल।
लिवरपूल और मैनचेस्टर के दरमियान। फिर आगे है आखिरी फैसले के मुताबिक जॉर्ज स्टीफनसन और उसके बेटे रॉबर्ट स्टीफनसन का बनाया हुआ नए मॉडल का इंजन रॉकेट बेहतरीन करार पाया। नंबर 3 जो है आखिरी फैसले के मुताबिक जॉर्ज स्टीफनसन और उसके बेटे रॉबर्ट स्टीफनसन का बनाया हुआ नए मॉडल का इंजन रॉकेट बेहतरीन करार पाया। तो आप ये देखें, ये जुमला आपका बिल्कुल सही है। अब है नंबर 4 की तरफ आते हैं, तो उसमें है आम मुसाफरों को लेकर जाने वाली ट्रेन को जॉर्ज स्टीफनसन ने खुद चलाया। नहीं जी, शाही खानदान, वज़ीर आज़म, शाही ख़ानदान के और ख़ास ख़ास मेहमानों को जॉर्ज स्टीफनसन ने खुद चलाया, उस ट्रेन को जॉर्ज स्टीफनसन ने खुद चलाया। तो इधर आप लिखेंगे वज़ीर आज़म, शाही ख़ानदान के अफराद और ख़ास ख़ास मेहमानों को लेकर जाने वाली ट्रेन को जॉर्ज स्टीफनसन ने खुद चलाया। फिर आगे है लोगों का ख्याल था जहाँ से रेलगाड़ी गुजरेगी वहाँ के खेतों में बहुत अच्छी फसलें उगेंगी। आप लिखेंगे लोगों का ख्याल था कि जहाँ से रेलगाड़ी गुजरेगी वहाँ के खेतों में फसलों को नुकसान पहुँचेगा। तो आपने ये लिखना है, ठीक है। ये मैं आपको इसका PDF भी सेंड कर दूँगी, लेकिन आपने जिस तरह मैं करके भेजूँगी उसी तरीके से करना है, आपको समझ तो आ गई होगी। अब अगला जो इसका क्वेश्चन है वो है, अगली वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे।